एसडीएम प्रदीप कौशिक ने इंद्री के गांव श्रवण माजरा में प्रगतिशील किसान जसवीर सिंह के खेत में पहुंचकर जीरो ड्रिल व हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई को देखा और किसानों को इस विधि से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इससे फसल उत्पादन भी अधिक होता है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि फसलों के अवशेष न जलाएं और न ही दूसरों को जलाने दें। किसान नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए फसल अवशेष प्रबंधन उपाय अपनाएं, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं तथा भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन हेतु प्रयुक्त होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों जैसे हैप्पी सीडर, रिवर्सिबल प्लो, रोटरी प्लो, मल्चर, स्ट्रा रिपर, स्ट्रा चोपर, स्ट्रा बेलर, रिपर बाइंडर, जीरो ड्रिल पर 40% अनुदान दिया जा रहा है। इन्हीं यंत्रों की खरीद पर अनुसूचित जाति, महिला एवं सीमांत और छोटे जोत वाले किसानों को 50% अनुदान दिया जा रहा है। कोई भी किसान फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्र खरीद कर कृषि विभाग के निर्देशानुसार अनुदान का लाभ पा सकता है। एसडीएम प्रदीप कौशिक ने कहा कि जीरो ड्रिल व हैप्पी सीडर से गेहूं की बुआई करने पर किसान को प्रति एकड़ 800 रुपए की राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। वहीं किसान जमींदार जसवीर का कहना है कि अंतर तकनीक अपनाने से किसानों को इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है, इससे हमें सरकार द्वारा भी अनुदान राशि मिलती है। फायदा ही है, हमें इसके कोई नुकसान नहीं है और 6-7 साल से हम इसको कर रहे हैं। तो करीब कितने क्विंटल निकल जाता है ये? जैसे अपनी आम वैसी जुताई करके हम अगर वो करते हैं 20 क्विंटल निकलती है, 21 निकलती है। एक क्विंटल 1.5 क्विंटल फालतू निकलता है इसमें, और पराली की जरूरत नहीं पड़ती जलाने की, लेबर की बचत होगी, ट्रैक्टर का डीजल बच जाता है और काफ़ी टाइम तक इसमें नमी बनी रहती है पानी की। तो ये जितना इसमें पराली रहती है ये सारा खाद का काम करती है। जैसे हम 3 बैग डालते हैं तो हम इसमें 2 ही बैग डाल लेंगे यूरिया के, ये खाद का काम करती है। तो इसका तो हम 35 भी डाल लें वो भी उसमें भी पैदावार अच्छी रहेगी। खाद 50 किलो की जगह हम 35 किलो डालते हैं, ये भी 15 किलो वो बच जाता है। और फिर 800 रुपये सरकार दे रही है इस पर अनुदान, जो हमने अपना बिजाई करना है तो उसमें भी फायदा हो गया। फायदे ही फायदे हैं जी इसके, तो इसके तो नुकसान तो कोई है ही नहीं, सारे फायदे ही हैं। पैसे की भी बचत है, यील्ड ज़्यादा होगी, लेबर बच गई, डीजल बच गया, तो सारे फायदे ही फायदे इसके। आज जो हमारे पराली जो स्टबर्न है, इनको जो बर्न करते हैं, इनको जलाते हैं पराली को, उसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से, हमारे जो कृषि विभाग है उसकी तरफ से किस किस तरीके का मैनेजमेंट के लिए किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है जिससे पराली जलाई ना जा सके और उसका सदुपयोग हो सके, तो उसको एक डेमोन्स्ट्रेशन उसका एक ये देखने के लिए मैं आया था तो कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ। हमारे जो गांव अपना है जो अपना स्वर्ण माजरा, उसके जो अपने प्रोग्रेसिव फार्मर हैं ये किसान जसवीर सिंह जी, इनके काफ़ी लैंड होल्डिंग्स हैं, तो उसके अंदर मैं देखने के लिए आया था। ये प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और ये कई सालों से हमारे ये जो मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है जो है उसमें हमारी जीरो टिलेज मशीन है, हैप्पी सीडर है, इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि पराली ना जलानी पड़े और पराली का यहीं की खेत की खेत में ही यहाँ पे सदुपयोग हो जाए। उसके काफ़ी फायदे यहाँ देखने को मिल रहे हैं कि पराली को यहीं की यहीं यूज करते हुए और हैप्पी सीडर से अगर हम बुआई करते हैं तो इसके कई फायदे देखने को मिल रहे हैं। जैसे एक तो सबसे पहला तो कि प्रदूषण ही नहीं होगा, दूसरा सबसे बात यह है कि ये पराली यहाँ एक किस्म से ऑर्गेनिक मेन्योर का काम करेगी, एक जैविक खाद के रूप में ही गड़सड़ जाएगी धीरे धीरे और इसमें ये खाद का काम करेगी। दूसरा ये ज़मीन की नमी को बरकरार रखती है, नमी इसके अंदर रहे उसको भी मेंटेन करके रखती है। बाद में जो केमिकल फर्टिलाइज़र उसका कम इस्तेमाल होता है, इससे पैदावार बढ़ती है, यील्ड बढ़ के आती है, ऐसा जसवीर जी बता रहे हैं कि भी पैदावार बढ़ के आ रही है। और मैंने खुद देखा है कि जर्मिनेशन भी काफ़ी अच्छा है, जो सीड डाला गया है, बुआई की गई है, तो वो जर्म करके जर्मलिंग बहुत जल्दी निकल के आ रहे हैं, तो पैदावार बता ही रहे हैं कि पैदावार बहुत अच्छी है। तो ये सारे फायदे हैं इससे, ताकि पराली यहीं की रहे और फिर आपका जो प्लेवा वगैरह करना पड़ता है वो उससे भी बचाव होता है, तो लेबर भी कम लगती है, खेत की जुताई साथ साथ हो जाती है, तो वो सारा खेत की जुताई का मतलब अलग से करने की जरूरत नहीं है। 800 रुपये जो है इसमें हम सरकार दे भी रही है कि जब जीरो टिलेज से या हम हैप्पी सीडर से बुआई करते हैं तो सरकार की तरफ से पर एकड़ एक किले के अंदर 800 रुपये का हेल्प मदद जो देती है सरकार,
ये भी मेरी किसान भाइयों से इसलिए उम्मीद है, मैं अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई पराली को ना जला के उसका खेत के अपने लिए हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए सदुपयोग करें, और हमारे जीरो टिलेज और ये हैप्पी सीडर जो मशीन है इनका सदुपयोग करें, उसके ऊपर भी सब्सिडी है तो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं।